तो देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। एक बार फिर निवेशकों के लिए सुनहरा मौका आ गया है। दरअसल निवेशकों को आने वाले सप्ताह यानी 13 जनवरी से 17 जनवरी तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का फिर से मौका मिल रहा है। वित्त मंत्रालय ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2019-20 सीरीज 8 की घोषणा कर दी है। इसका विंडो अगले सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहेगा। इस सब्सक्रिप्शन अवधि में गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 4,016 रुपए प्रति ग्राम निर्धारित किया गया है। निवेश आवेदन का सेटलमेंट 21 जनवरी 2020 को हो जाएगा, यानी निवेशकों को इस दिन बॉन्ड मिल जाएगा। RBI ने भी एक बयान जारी कर आगामी गोल्ड बॉन्ड सब्सक्रिप्शन अवधि की जानकारी दी है। अगर आप अब भी ये नहीं जानते कि गोल्ड बॉन्ड होता क्या है और इसके फायदे क्या हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल सोने में निवेश करने के लिए आपको केवल सोने के सिक्के या सोने के आभूषण खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ और भी तरीके हैं जिससे सोने या गोल्ड में निवेश किया जा सकता है, जिनमें से एक है गोल्ड बॉन्ड। भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2015-16 में की थी। इस योजना के तहत सोने की मांग में कमी आएगी और हर साल 300 टन सोने की छड़ें और सिक्कों की खरीदारी के लिए किए जाने वाले निवेश को स्वर्ण बॉन्ड में लगाया जा सकेगा। भारत में सोने की मांग ज्यादातर आयात द्वारा पूरी की जाती है। इस योजना से देश के चालू खाते के घाटे को सीमित करने में मदद मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं गोल्ड बॉन्ड में करना क्या होता है और इसके फायदे क्या हैं। गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% हर साल का ब्याज मिलता है। सोने के किसी और निवेश के तरीके में आपको ब्याज नहीं मिलता है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक यूनिट यानी 1 ग्राम खरीदना होगा। आप एक साल में यानी अप्रैल से मार्च की अवधि में अधिकतम 4 किलो सोने के बराबर गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए आपको अपने पैसे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोल्ड बॉन्ड में भारत सरकार की गारंटी होती है। गोल्ड बॉन्ड की एक यूनिट 1 ग्राम सोने के समान होती है। गोल्ड बॉन्ड 8 साल में मैच्योर होता है। 8 साल बाद आपको उस समय के सोने के मूल्य के अनुसार पैसा लौटा दिया जाता है। हालांकि गोल्ड बॉन्ड 8 साल में मैच्योर होता है, लेकिन आप 5वें, 6वें या फिर 7वें वर्ष में भी निर्धारित समय पर अपने बॉन्ड वापस देकर अपना पैसा ले सकते हैं। आप गोल्ड बॉन्ड को गिरवी रखकर गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड किए जाएंगे, वहां से भी आप गोल्ड बॉन्ड खरीद या फिर बेच सकते हैं। सरकार ने गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन और भुगतान करने वालों को प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट देने का फैसला किया है। यानी 10 ग्राम सोने के बॉन्ड पर निवेशकों को 500 रुपए की बचत हो सकती है। छूट के बाद गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस प्रति ग्राम गोल्ड के लिए 3,966 रुपए हो जाएगा। यानी अगर अभी तक आपने गोल्ड बॉन्ड नहीं लिया है तो इस बार ये मौका हाथ से ना जाने दें।